अब बच्चों साउंड करेक्ट आ रहा है तो बताइए, हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। आप में से किसके मैथ्स का टर्मिनल पेपर चल रहे हैं वो हैंड रेज करना है एक बारी, जिसके पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, रामदास पूसा रोड में चल रहे हैं। हितेश का कौन सा स्कूल है? जेड एटलस सर। ओके। और आयुष आपका कौन सा स्कूल है? सर सेम ही आज ही हुआ था पेपर मैथ्स का। अच्छा, मैथ्स का हो गया क्या? पेपर यस भेजो सर भाई, आज ही। पेपर भेज सकते हो आप सर वो लोग? गूगल फॉर्म पे था तो जो कॉपी पेस्ट होके आए थे वो तो मेरे पास है, मतलब मैट्रिसेस वाले है ना, कॉपी पेस्ट हुए नहीं थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस हाँ, जो है वो भेज देना, तो है। वो ओके शेयर सर। कर देंगे बच्चों के साथ, कर लेंगे। सेम यस कॉपी सर। नहीं शेयर करूंगा, ठीक ओके है, सर। लेकिन क्वेश्चन सब कर लेंगे वो वाले। और किसी का भी पेपर हो गया मैथ्स का तो बताइए। हितेश का कैसा हुआ पेपर? कोई सही हुआ सर। दिक्कत? नो सर, थोड़ी सी थी उसमें, रिलेशन फंक्शन में आई थी थोड़ी सी।
वो क्वेश्चन भेजना ना, फिर व्हाट्सएप के साथ डिस्कस कर देंगे, यस सर, यस सर। क्योंकि कोई ऐसी बात होगी जो शायद डिस्कस नहीं हुई होगी। सर वो एक्चुअली ये था कि इनवर्स दे दिया था सर ने, जो सिलेबस से हट भी चुका ना अच्छा वो इस चक्कर में हो गया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था तो इस चक्कर में वो हो गया था। ये होगा ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि टीचर्स वो छू लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होके बनते हैं तो पता है हमें, कॉपी पेस्ट भी, और कई टीचर पढ़ाते भी हैं तो पूछते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं। हाँ जी, आज इंटीग्रेशन शुरू करने का मन है, ठीक है जी। आज तो मैं इंटीग्रेशन ही शुरू कर रहा हूँ, कहीं अगली क्लास में एक बच्चा मेरे को याद दिला रहा था कि वो मैक्सिमम मिनिमम में 1 मार्क के कोई 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वो देख के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो 1 मार्क में आएंगे भी, आपके स्कूलों में आएंगे भी, कोई खास बात नहीं है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। तो मेरे को अगली क्लास के शुरू में याद दिलाना, क्योंकि आज मैं पूरा मन इंटीग्रेशन बनाने का, कराने का कर चुका हूँ, ठीक है। वैसे बीच में मन हुआ और ये मैं जो टॉपिक बोलना है बोल पाया, पूरा हो गया आज, तो वो भी ले लूंगा साथ साथ, उसकी भी स्लाइड खोल के रखी है मैंने, ठीक है जी। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लीजिए बातों को, इसमें खाली लर्निंग नहीं है बच्चों। क्या आप सोचो जी, कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, लेकिन आप सोचो सिर्फ कंसेप्ट है और मेरी प्रैक्टिस है और मैं कर लूंगा, बहुत ध्यान से सुनना ये आज की क्लास, सिर्फ कंसेप्ट से नहीं होंगी बातें, यहाँ रटाफिकेशन भी है कि टाइप देखोगे तो इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि तो आप में से किसी भी बच्चे को एक ठीक ठाक इंटीग्रेशन आता है तो हैंड रेज करना, घबराना मत, ठीक ठाक एक एवरेज लेवल का इंटीग्रेशन, मुकुल कहता है मुकुल को एवरेज लेवल का इंटीग्रेशन आता है, और मैं बिल्कुल बहुत आसान बात पूछ रहा हूँ मुकुल भैया, एक बार ट्राई मारना ऐसे ही कि सर ये ऐसे हो जाएगा, बस एक मेथड बोल देना जो आपको आइडिया आ रहा हो, इसका इंटीग्रेशन करना, सब सुनना भैया, नहीं तो हम सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाएंगे, ट्राई जरूर करना बच्चे, एनसीईआरटी टाइप है, मैंने भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। सर इसमें ऐसे मतलब सब्स्टिट्यूट करके तो नहीं होगा वैसे, हम हो सकता है पहले सेपरेट कर लें। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, बच्चे ने मतलब प्रैक्टिस की हुई है तो वो कह रहे हैं मैं कोशिश करूंगा, मतलब अलग अलग तरीकों से, वो करने से मेरे को पता लगेगा, ठीक है भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ये इसकी प्रैक्टिस है, लेकिन फिर कह दूं बहुत सारे मेथड है यहाँ कि भाई कोई खास चीज आ गई तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। जैसे 10th में आपने मेरे साथ आइडेंटिटी प्रूविंग क्वेश्चन करे हैं ना, हम क्या सीखते थे, पहले फॉर्मूले लगाओ फिर वैल्यू लगाओ फिर ऐड सबट्रैक्ट करो, ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, पहले सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करो, ठीक है भैया, वो नहीं हो रहा तो दूसरा सब्स्टिट्यूट करो, वो नहीं हो रहा तो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो, वो नहीं हो रहा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो, ऐसे कुछ मेथड है, वो एक नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल बात है, उसमें चीज कवर हो जाए, क्वेश्चन कवर हो जाए तो इंटीग्रेशन बच्चा कर लेता है, ये इनको हम मेथड कहेंगे, अभी क्लियर होगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कि मेथड किसे कहेंगे। कुछ है टाइप्स एंड ट्रिक्स, मेथड में कवर नहीं होते, जैसे इसकी मैं मान रहा हूँ होगी पूरी प्रैक्टिस, लेकिन ये मेथड में कवर नहीं हो रहा, ये मेथड बोल रहा था मेरे को कि या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, नहीं कवर होता, ये टाइप देख के रटा होना चाहिए, टाइप साइन कॉस नीचे मल्टीप्लाई में ऊपर प्लस में हो, ऊपर डीटी लेंगे उसका इंटीग्रेट, उसका डेरिवेटिव करके अजम्पशन निकालेंगे, अजम्पशन के से इसकी वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे, ऐसे समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइप्स हैं 30 से ऊपर इंटीग्रेशन में, शक्लें याद होनी चाहिए, ये शक्ल है तो बस ऐसे ही ट्राई करना है, और साइन कॉस के सबसे ज्यादा टाइप है, साइन कॉस के अभी ना आप लोगों का थोड़ा ध्यान जाए सही बातों पर, सबसे ज्यादा टाइप है, जैसे ऐसा लिख दू पता कुछ नहीं अभी आपको, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन करना है साइन का 10 वाला फॉर्मूला डालूंगा, ऐसा लिख दू, मैं समझाने के लिए काम नहीं कर रहा बच्चों, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपका ध्यान होना चाहिए बातों पर, ऐसा लिख दू देखो है सही है, साइन कॉस का अलग है ये अलग है, ऐसा लिख दू ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके नीचे टी ऊपर डी टी इंटीग्रेट करूंगा, अभी 2-3 दिखाए बहुत सारे टाइप है सिर्फ साइन कॉस पर भी, तो क्या होगा आप ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट तो समझते चलो प्रैक्टिस करते चलो, लेकिन जब तक इंटीग्रेशन चलेगा हर बच्चा, आजकल आपके पेपर भी चल रहे हैं जहां आपको टाइम मिल जाए ना एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी करा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा करा रहा हूँ जो भी करा रहा हूँ उसको निकालो, ठीक है, वो एक एक क्वेश्चन है बस देखो, देखते ही आपके दिमाग में आएगा ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, जो नॉर्मल है वो तो ऐसे हो गए, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उस शक्ल के हिसाब से याद करने हैं, ठीक है भैया, तो वो रोज देखने से रिवाइज करने से वो टाइप ध्यान रहेगा आपको, तो इंटीग्रेशन सीखोगे, ऐसे इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, यानी कंसेप्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूला लर्निंग चाहिए, रटाफिकेशन चाहिए टाइप्स एंड ट्रिक्स पे, 100% रटाफिकेशन चाहिए, ठीक है भैया, शुरू करते हैं ताकि बातें अब धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो, तो सबसे पहले तो बात यही आ जाती है सर इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, करेंगे कैसे की तो बात बाद में हो गई, सर होता क्या है,
मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, मैं पहले डेरिवेटिव की बात कर लेता हूँ कि एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई बोल देगा सर 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ हुआ था और आजकल हम रट के भी लिख लेते हैं कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव ये है। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक्स की पावर एन का ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, तो कोई ऐसा उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस जो कि डेरिवेटिव को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में चेंज कर दे, ये किसी चीज का डेरिवेटिव है ना राइट हैंड साइड, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा प्रोसेस जो डेरिवेटिव को वापस ओरिजिनल फंक्शन में क्रिएट कन्वर्ट कर दे, उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चूंकि पहली बारी है तो थोड़ा सा बेटर वर्ड बोलते हैं, ये तो बहुत सारे शब्द हो गए, कि कोई ऐसा प्रोसेस जो डेरिवेटिव को वापस ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दे उसे इंटीग्रेशन कहते हैं, बहुत सारे वर्ड हो गए। तो एक सिंपल वर्ड ले लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है भैया। एंटी डेरिवेटिव मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो मैं इस पर डालूं और वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, उस एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है भैया। बातें करेंगे लेकिन इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है, ठीक है। और शुरू में भी बहुत सारी बातें सुनने समझने को, अभी बताता हूँ एक एक करके, छोटे छोटे नोट्स दे देना। ये पहला नोट आ गया जिसमें एक इंटीग्रेशन का डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। एंटी डायरेक्ट वन मार्कर पूछ लेते हैं भैया, एंटी डायरेक्टिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है भैया, वो फिलिंदा ब्लैंक्स ही कर लेगा। तो इंटीग्रेशन जितना भी आता होगा, इंटीग्रेशन एक भी क्लास में कह रहा हूँ, पेपर में थोड़ा सा लालच कर लेना, ये चैप्टर नहीं है स्किप होने वाला, कहीं कोई क्लास छूटने मत देना किसी भी हालत में, ठीक है। एक मेरे को थोड़ा 9 से 10 वाली क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम क्या हो, उस दिन काफी टाइट शेड्यूल होता है मेरा, तो 9 बजे तक तो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और सैंपल पेपर थोड़ा सा हो जाएंगे तो भैया सही रहेगा फर्स्ट टर्म के लिए, या आगे आने वाला जो प्री बोर्ड है 1-1.5-2 महीने बाद के लिए। तो मेरे को लग रहा है 9 से 10 तो मुश्किल हो रहा है, आप कहो तो, आप सब लोगों के लिए कंफर्टेबल हो तो 30-30 मिनट करके भी हो जाता है काफी, उससे भी काम तो निकलेगा ना, ठीक है। आपको एग्री है तो बोलो 9 से 9:30 एक सैंपल पेपर वाली क्लास, बस 30 मिनट, और जूम पे चलेगी, अब यूट्यूब पे नहीं लेंगे उसे। बोलो, हैंड रेज कर दो जो बच्चे कह रहे हैं अभी 30 मिनट का भी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, लगभग सभी कह रहे हैं, तो 30 मिनट की आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, पेपर भी है क्योंकि ये आने वाले हैं। 30-30 मिनट की क्लास, और कोशिश होगी, फिर कह रहा हूँ कोशिश पूरी होगी 30 मिनट की तो कम से कम ले ही जाऊं, ठीक है भैया। और बीच बीच में कहीं नहीं होगी तो जैसे मैसेज दे रहा हूँ वैसे दे दिया करूंगा, ठीक है भैया, आप ध्यान देना जरा। और अगले महीने से तो कहीं हमें 1-1.5 महीने तक 1 घंटा चलना पड़ेगा, जहां आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे वहां वो करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम की भी तैयारी चल रही है तो अभी ज्यादा नहीं रख रहे एक्स्ट्रा क्लास। हाँ सुनते रहना, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो सर कोई ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिवर्स प्रोसेस जो कि इसको वापस फंक्शन बना दे, यानी एंटी डेरिवेटिव नाम दे देते हैं, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है भैया, आप ध्यान से सुनना। अब बात आ जाती है फॉर्मुलों पर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ना वो ये वाला सिंबल है, ये जो सिंबल है इसे हम इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। अभी सुनते रहो ध्यान से, बहुत सारी बातें कर रहा हूं। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनिए। मैंने कभी लिखा भाई, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बच्चा कह रहा है वो तो हमने याद किया, प्रूफ किया, तो सब पुरानी बात हो गई, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, मैंने कहा एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी रुक जाना, सब शुरू में तो बहुत आसान बातें हैं, सब सीख लोगे, लेकिन गलती बहुत होती है, राइटिंग एरर, बच्चों को आ रहा है सब कुछ आ रहा है लेकिन ही गलती कर रहा है, और ऐसी गलती कर रहा है कि सारे क्वेश्चन कट रहे हैं। देखो मैं बहुत कंफर्म हूँ, आप में से 0 से 0 तक सारे एक जैसी गलती करने वाले हो समझने के बाद, और करते हो अभी इंटीग्रेशन लिखते हुए, ठीक है भैया। तो बहुत ध्यान देना, जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा बताना, जब हम एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव क्या मैं कह सकता हूँ किसी फंक्शन का, मैंने डेरिवेटिव किया क्या, खाली एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, या मेरे को कहना पड़ता है एक्स की पावर एन एक फंक्शन है जिसका मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया, ठीक है भैया, क्या रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया की इंपॉर्टेंस है ना, तो सबको पता है ना कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव किया मतलब चेंजेस निकाले, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, क्या चेंज किया कि फंक्शन में चेंज हो गया, वेरिएबल बोलना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि मैं जब एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस भी कह रहा हूँ कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव हुआ था
उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन भी निकालना है, तो वो यहाँ हमें लिखना पड़ता है कि भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, dx लिखा है मैंने, ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है भैया। तो ये आपका देखो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ था उसी के रिस्पेक्ट में एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ये वो डेरिवेटिव साइन हो गया, इसको बोलते हैं बच्चे, अभी धीरे धीरे ना शुरू के 2-4-5 क्वेश्चनों में लिख रहे होंगे और फिर ये लिखना छोड़ दोगे, एक भी स्टेप में dx आपने छोड़ दिया, जो भी वेरिएबल है छोड़ दिया, किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, वही क्वेश्चन पूरा कटेगा, ठीक है, समझाया कुछ नहीं, अभी तो छोटी बात ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बच्चा कह रहे नहीं सर वो बात बताओ ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या, ठीक है भैया, आप ध्यान से देखो, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, क्वेश्चन आएंगे अभी सुनते रहना जरा। बच्चा बोलेगा वो तो आप कह रहे हो या किताब में लिखा था, मैंने रटा भी था, 11th में भी कईयों ने रट लिया था, तो सर होता है ये इंटीग्रेशन, तो पहली बात x की पावर n का इंटीग्रेशन ये क्यों है, पहला क्वेश्चन, दूसरा ये प्लस सी क्या है, ठीक है, टर्न वाइज टर्न सारी बातें सुन लो, मैं कह रहा हूँ मैंने भाई एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन तो पहली बार ही बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी मान लेता हूँ मुझे डेरिवेटिव ही आता हो तो मुझे क्या पता भाई ये कहाँ से आया, तो छोड़ो ये कहाँ से आया, आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करके देखो क्या आएगा, एक बारी मेरे को x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलना, जरा रीजन अगर करना है तो, देखो नीचे कांस्टेंट है एज इट इज, यहां पर आप पावर वाला फार्मूला देके बोल दो जरा क्या बना, बोलना जरा, डेरिवेटिव कर रहे हो आप nx पावर n, नहीं नहीं पावर पहले n प्लस 1 पावर n प्लस 1 x की पावर n पावर में कम, और वो c का मतलब कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट, ठीक है, कहां से आया भी बताऊंगा कि मैं इंटीग्रेशन में क्यों लिखता हूं, वो अलग रीजन दूंगा, लेकिन एक बारी इस पूरे का डेरिवेटिव करवा तो दो, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, एक बारी देखना, n plus 1 ऊपर नीचे कट गया, 1 minus 1 कट गया, बताना जरा इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, x की पावर n, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस क्या होना चाहिए बोलो, x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus, यही था ना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ आ गया तो एक ऐसा रिवर्स प्रोसेस जो कि उसे वापस ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, मैं यूं बोलूं, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, ऐसे होएगा ना, ठीक है, अभी लेकिन बार बार ऐसे सोचेंगे गोल गोल क्यों घूमना है, ठीक है भैया, सीधी बात, इसको एक अलग तरीके से बिल्कुल याद ही करो, बस एक बार ये कॉन्स्टेंट और समझ लो, अलग से इंटीग्रेशन के रूल से समझ लो, ये कॉन्स्टेंट हर फॉर्मुले में हमें लिखना पड़ेगा और क्यों लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, एक मिनट, मान लो मैंने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल दिया, कुछ भी बोल दिया आपको, जो भी है इंटीग्रेशन फॉर्मूला रटा दिया के समझा दिया, हर बारी में प्लस सी तो बोलूंगा, ठीक है भैया, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो भाई इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव वापस ये होगा ना, अगर देखो इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, मैं कह रहा हूँ एक बारी सी मत लिखो, कॉन्स्टेंट मत लिखो, इसका डेरिवेटिव आ भी सकता है, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन क्या कोई अलग कॉन्स्टेंट आप यहाँ बढ़ा दो, कोई भी चीज फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट बढ़ा दो तो क्या उसका ये डेरिवेटिव हो सकता है कि नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो सकता नहीं है, हो सकता है, वापस आएगा ही आएगा, तो इसलिए अब हमें ये नहीं पता है कौन सा कांस्टेंट है, हम उसे सी लिख देते हैं, मान लो बच्चा बोले ना हो ना कांस्टेंट, ऐसे समझो दोबारा से थोड़ा सा बेटर करते हैं, एक्स स्क्वायर बस इतना सही लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक बारी रटी हुई बात करना, रटी हुई बात ये फॉर्मूला डाल दो, एक्स की पावर एन वाला, x की पावर n प्लस 1 3 अपॉन n प्लस 1 3 प्लस c, जबरदस्ती लिख दिया हमने कि रट के लिख दिया, मैं कह रहा हूं अगर ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है भैया, तो यानी कि रिवर्स प्रोसेस में मैं अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो ये आना चाहिए ना, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट में मत लिखो तब भी सेम आ गया, लेकिन मैं भी यहां पर 2 होता, यहां पर कोई कांस्टेंट होता, ठीक है भैया, अब देखो ना यहां मैंने कांस्टेंट अपने मन से लिख दिया, बताना कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, ठीक है, अब यहाँ 2 है तो 2 का डेरिवेटिव 0 लिखना पड़ेगा ना, और मैं बच्चा कह रहा नहीं हो तो तब आपका फालतू नहीं हो गया सी, तब सी का मतलब क्या हो गया, 0, 0 का डेरिवेटिव 0, तो भी बात लौट के यही आएगी, इसलिए वो प्लस में कांस्टेंट लिखना पड़ता है, क्योंकि डेरिवेटिव करते हुए, दोबारा सुनना, डेरिवेटिव करते हुए कांस्टेंट खत्म हो जाते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हुए वापस वो कांस्टेंट पता नहीं लगते, होने तो चाहिए ना, कुछ तो होने चाहिए, उसे सी लिख दिया, ठीक है, जब होने चाहिए तो वो सी है, जब नहीं होने चाहिए तो सी का मतलब 0 है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है, वापस फॉर्मुलों के नोट्स बनाते हैं, ध्यान से सुनते रहना, इंटीग्रेशन के फॉर्मुले लिख रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ अभी सब बच्चे चेक करना फॉर्मुले वगैरह, तो नॉर्मल बात है, छोटी बातें हैं,
चेक ये करना है, ये डिफरेंशियल साइन आपसे छूटना नहीं चाहिए, dx छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। बहुत ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें, ऐसे बहुत घोटाले होने वाले हैं बाद में जब सीख लोगे। ये पावर वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव में भी कब लगाते थे सुनना, जब बेस वेरिएबल हो, पावर कॉन्स्टेंट हो, ये अभी तभी लगेगा, नहीं तो बाद में क्या होता है, बच्चों को टोको नहीं ना। अभी डेरिवेटिव में चाहे सब ठीक सीख गए आप, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन निकालना है कल को टू की पावर x का, बच्चा बिना बोले ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है। अरे भाई ये फॉर्मूला तब लगेगा जब बेस वेरिएबल हो, पावर कॉन्स्टेंट, और किसी केस में नहीं लगेगा, हर पावर वाली चीज पे नहीं लगेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें समझाने के लिए, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से किसी भी राइट साइड का डेरिवेटिव कर लेना, लेफ्ट आ जाएगी, और राइट का डेरिवेटिव लेफ्ट है तो लेफ्ट का इंटीग्रेशन राइट है। ठीक है भैया, ये अलजेब्रा के लिए हो गया, अलजेब्रा में ही देखो और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कॉन्स्टेंट, अकेला कोई कॉन्स्टेंट है, सी लिख, सी की जगह चलो ए लिख देता हूँ, ए का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, क्या होगा इसको ऐसे समझो, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव नहीं होता था ऐसे इंटीग्रेशन भी करना ही होता है। जैसे 3 इंटू एक्स हो तो रूल समझा फिर रटा कि मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करना, मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, खाली वेरिएबल का कर दो, मैं कह रहा हूँ ऐसे इंटीग्रेशन है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, बस वेरिएबल का करना है, यूं मान लो आप। ठीक है, तो ए जो भी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखो आप, इतना कोई लिखता नहीं है, पहली बारी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, ए इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, बच्चा बोले कैसे हो गया सर, बहुत सारे तरीके हैं, या तो ऐसे समझ ले वन का इंटीग्रेशन एक्स रटा रहा हूँ तो एक्स का डेरिवेटिव सोच वन है तो वन का इंटीग्रेशन तो एक्स होगा, सर ऐसे उल्टा पुल्टा सोचने में ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है भैया, वो रटना रट जाएगा, अपने आप ही रट जाएगा, ये तो बात छोटी है, लेकिन इसको ऐसे कर लो कि वन को आप एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो, सिर्फ सुन लो, लिखना मत इसमें कुछ। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n बेस वेरिएबल पावर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पावर में एक ऐड, इंटीग्रेशन करते हुए नीचे सेम पावर, यही है ना फॉर्मूला आपका, प्लस c, तो कुल मिला के देख लो ये पूरा x ही बन रहा है आपका, तो वो ax प्लस c आ गया, तो a का इंटीग्रेशन ax। हाँ जी भैया, dx में वो समझ नहीं आया, dx मतलब जैसे मैंने किसी चीज का डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव किया, तो क्या खाली ऐसे लिख सकता हूँ मैं x का डेरिवेटिव किया है, मुझे बोलना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में किया, किसके रिस्पेक्ट में किया बोलना पड़ता है ना। ठीक है, इस वेरिएबल की इंपॉर्टेंस है ना, तो वैसे ही एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ था उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एंटी डेरिवेटिव होता है, तो उसके लिए लिखना पड़ता है, अभी बस इतनी सी बात है, यहाँ लिखना पड़ता है। एक जो फील नहीं आ रहा ना आपको किससे और क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए तो इस जी एक्स का कोई यूज अभी तो दिख नहीं रहा, वो अभी दिखेगा एक एक्सरसाइज तक इंतजार करो, इसका जो फील आएगा आपको dx का पर्पस क्या है यहाँ, वो एक एक्सरसाइज बाद समझ में आएगा। ठीक है जी, हाँ, a का इंटीग्रेशन अभी ऐसे मान लो कि लिखना पड़ता है, क्योंकि डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में क्या, इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल बदला नहीं जा सकता। वन का इंटीग्रेशन मैंने प्रूफ कर दिया आपको x, और कॉन्स्टेंट हमेशा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, खैर वापिस ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं बच्चों, फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसमें। अच्छा, इसमें नोट्स कैसे बनेंगे ध्यान से सुनना, जो भी रजिस्टर आपके हाथ में इसके लास्ट आखिरी 10 पेज रिजर्व कर लेना, आखिरी 10 पेज रिजर्व कर लेना, जिसमें 2 पेज लगभग फॉर्मूलों के लिए, ठीक है भैया, 2 से 3 पेज मेथड के लिए, सिर्फ मेथड जाएंगे उसमें, जब जब मेथड बोलूंगा उसमें लिखना, ठीक है भैया, और 3 से 4 पेज टाइप्स एंड ट्रिक्स के लिए कि ये शक्ल है तो बस ऐसे इंटीग्रेट होगी। पूरी इंटीग्रेशन जिस दिन तैयार हो जाएगी, ये सब मतलब आपकी प्रैक्टिस आपको आती होगी, वो लास्ट के 10 पेज रिवाइज मारने आपको। ठीक है भैया, तो अभी फॉर्मूला चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला चल रहे हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, अब चाहे आप डेरिवेटिव करके देख लो, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा ना, वो थोड़ा सा उल्टे पुल्टे में कोई कोई उलझ जाता है, तो ये अलग से रटना ही आप, वैसे आपको वेरीफाई करना है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव करो ना, माइनस को वहीं रहने दो, कॉस का डेरिवेटिव सबको पता है सीओ से शुरू होता है, माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन, साइन एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन वापस ही आएगा। तो ऐसे भी डेरिवेटिव तो तुम्हें आता ही है, तुम किसी भी चीज का डेरिवेटिव करके देख लो, लेफ्ट आ रही है तो इसका इंटीग्रेशन राइट होगी, लेकिन ये चीज आपको काम आने वाली है नहीं, ये सिर्फ शुरू में बोलना चाहिए हमें, आपको सुनना चाहिए कि ये कंसेप्ट है, बाकी इंटीग्रेशन निकालना रटना है जी, फॉर्मूला प्योर रटना, उसमें सोचना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते चलो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, साथ साथ नोट भी बना लो, रटना कैसे अभी बता देता हूँ, इसमें जो थोड़ी बहुत हेल्प होती है। ठीक है जी, और कई चीजें बेटर भी रहेंगी यहाँ पे, कई चीजें बेटर भी रहेंगी, जैसे साइन कॉस का पेयर तो हो गया, अब इसके बाद सेक कॉस का पेयर आ रहा है, अब सेक का इंटीग्रेशन बच्चों को याद करना मुश्किल पड़ जाता है,
ठीक है भी अनलॉक, किसी को पता है तो बोल देना साथ साथ, किसी को भी पता है बोल देना, ये आपके इंटेलिजेंस लॉक sec x 10x प्लस, ठीक है sec x प्लस 10x थैंक यू एक्सप्रेशन, ठीक है अभी अभी भैया ये वाले ना देखो भूलने वाले हो, मैं अभी बता रहा हूं तुम, ठीक है भैया, एक तो भूलने की थोड़ी सी गुंजाइश है, ज्यादा नहीं है, जिसका रेटिफिकेशन अच्छा है मेहनत करेगा कर ही लेगा, लेकिन दूसरा अभी अभी कुछ चीजें खास बता देता हूँ, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, हुआ क्या एक बार ही मतलब कि 2 मार्क में किसी बच्चे किसी टीचर ने पूछ ही लिया sec x का इंटीग्रेशन लिख दे 2 मार्क में, ठीक है एक्सप्लेन करके बच्चे को फॉर्मूला याद था, लिखा अभी रटा था, ठीक है भैया, तो इसका प्रूफ आना चाहिए जी, इसका प्रूफ आना चाहिए, कोई बता सकता है, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं सिखाया, इसका प्रूफ मैं अलग से बिल्कुल बता दूंगा आपको, लेकिन अभी पहली एक्सरसाइज होने के बाद, लेकिन अगर आप समझदार बहुत हो तो बिना प्रूफ आए भी काम कर दोगे, बिना प्रूफ आए भी काम कर दोगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन तो चलो पता नहीं, लेकिन एक मजबूरी वाली बात है सर कि आपको भी अभी समझाना है, आप भी तो ऐसे ही समझा रहे हो कि यार इसका इंटीग्रेशन ये कैसे, तो आप उस राइट साइड का डेरिवेटिव दिखा देते हो तो फिर बात यही होगी कि लेफ्ट का इंटीग्रेशन राइट होगा, तो इसका डेरिवेटिव तो हम चेन रूल से कर ही देंगे, बड़े आराम से करेंगे, ठीक है भैया, तो इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, तो ये एक समझदारी वाला काम है कि आप बिना मतलब कुछ करे भी, अभी कुछ आया ही नहीं इंटीग्रेशन में, तब भी ये प्रूफ ऐसे बोल सकते हो और नंबर देने पड़ते हैं टीचर को, बाकी इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से ही जो आप फॉर्मूले वगैरह भी और शुरू में पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में सीखोगे इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, ठीक है भैया, बताऊंगा मैं ये, ठीक है इसका प्रूफ सेकेंड एक्सरसाइज के वक्त बताऊंगा कि इंटीग्रेशन से कैसे होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना sec x का इंटीग्रेशन log sec plus 10 plus c, log mod mod लिखना जरूरी है बच्चों, सबको पता है log की एंगल ऑलवेज 0 से बड़ी होनी चाहिए तभी log डिफाइंड होता है, तो sec plus 10 तो नेगेटिव भी हो सकता है x की किसी वैल्यू पे, तो इसलिए mod लिख दिया है, mod लिखना यहाँ जरूरी है ध्यान देना, ठीक है cos sec x dx का इंटीग्रेशन जिसको याद है उसे बोलना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए कि मेरे को इतना तो आता ही है, log mod of cosec x minus cot x plus c, ठीक है भैया, और इसकी दो शक्लें हो सकती है भैया, ठीक है अगर अगर मैं यहाँ बाहर माइनस लिखूं, ये दोनों फॉर्मूले मैं प्रूफ करूंगा अलग से, और इस वक्त आप करना चाह रहे हो जो आपकी नॉलेज है सर, इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा डेफिनेटली आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ही होना चाहिए, वो एक हल्का तरीका है, कर सकते हैं, सही तरीका है, मैं बाद में सेकेंड एक्सरसाइज के बाद बोल पाऊंगा इनके अच्छे वाले प्रूफ जो इंटीग्रेशन से निकलेंगे, इसका दूसरा फॉर्मूला है माइनस log cosec x mod of cosec x plus cot x plus, ठीक है कुछ बातें अभी सुनने जैसी हैं भैया, थोड़ी थोड़ी जो अभी समझ लेते हैं, जो आगे पर डिपेंडेंट है प्लस सी लिख लेना, जरा थोड़ा बाहर निकल गया है, हाँ एक मिनट इसको देखना राइट साइड देखना सर, ठीक है अभी हमको इतना ज्यादा आइडिया तो है नहीं कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आएगा अगर डायरेक्ट निकालना हो तो बताऊंगा, लेकिन सर दो दो फॉर्मूले हैं ये इक्वलेंट क्यों है, क्योंकि एक में अंदर माइनस है तो एक में वो बाहर माइनस, तो ये बीच में देखो लगभग प्लस जैसा आ गया, इसकी इक्वलेंट अभी सोच लो आप एक मिनट, आप मैं एक बारी कॉसेक बोलना सारे बच्चे भैया जो जो बोल पाएगा, इस कॉसेक माइनस कॉट एंगल को अंदर ही कॉसेक प्लस कॉट से रेशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक बारी बोलना कॉसेक माइनस कॉट के ऊपर कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सब सोच लेना बच्चों, ठीक है बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन एक भी छोटी बात भी मत छोड़ देना, और सारे प्रूफ जब जब टाइम आएगा 2-3 एक्सरसाइज में कराऊंगा मैं, कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर सर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वो 1 हो जाएगा और नीचे कॉसेक प्लस कॉट आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है कि मैं इसे कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ऊपर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, जिसको नहीं दिख रहा अभी टोकना मेरे को, और नीचे कॉसेक प्लस कॉट और बाहर लॉक तो है, ये देखो अब ये इसकी होल पावर 1 हो जाएगा, नीचे ऊपर ले जाओगे पलट दिया होल पावर माइनस 1 हो जाएगा, लॉग ए की पावर बी जो पावर माइनस 1 है वो पहले आ जाएगी, यानी ये माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक प्लस कॉट एक्स प्लस सी भी हो जाएगा, ठीक है दोनों शक्लें पता, कई बार हम किताब कर रहे होते हैं हमने एक ही याद कर ली, किताब ने दूसरी लिख दी, हम कंफ्यूज हो रहे हैं भाई ये कहां से आ गया, कई बार डेफिनेट के क्वेश्चन में प्रूविंग इस शक्ल की दी हुई है तो मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, वो तकलीफ हो जाएगी, ये 3 लाइनें भी लिखना वहां पे, ठीक है एक रटाफिकेशन की माइनस की तकलीफ ना आए इसमें, ठीक है कॉसेक वाले फॉर्मूले में कॉसेक के इंटीग्रेशन में, ठीक है जो भी आ रहा है अंदर माइनस है तो बाहर प्लस है, ऐसे जुगाड़ में याद कर लो, और अंदर प्लस है तो बाहर माइनस है, थोड़ा सा ये टाइप अभी बिठाना, इतने फॉर्मूले लिख लो क्योंकि मेरे को मिटाने पड़ेंगे, ठीक है इन दोनों को अलग से लिख लेना, इन दोनों के प्रूफ भी तैयार करेंगे, इनका तो वो डायरेक्ट ही है डेरिवेटिव कर दो, ठीक है इनका वो कई बार डेरिवेटिव से सीधा सीधा एंटी डेरिवेटिव से मांगता नहीं है, वो कुछ अलग कर देता है, वो करना पड़ता है।
जल्दी जल्दी करना भैया, ठीक है। और फॉर्मूला लर्निंग में बेसिक्स में याद, जो चीज याद करने के लिए कही गई और वो याद नहीं करी, सारी मेहनत आपकी खराब होगी। कम मत मानना, 50 घंटे कम से कम मान लेना इस टॉपिक पे, डेफिनेट इनडेफिनेट डिफरेंशियल एरिया, कम से कम 50 घंटे। तो सारा खराब हो जाएगा अगर फॉर्मुलों पर काम ठीक नहीं किया। और डेरिवेटिव के 10-12-15 फॉर्मुले नहीं है, इंटीग्रेशन में फॉर्मुला मेथड ट्रिक सभी ध्यान रखनी पड़ती है, तो सब मिला के काफी है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हटाऊं क्या इसे? हाँ जी, एक मिनट, अपना फोकस बनाए रखें आप। अभी एक मेथड ना आप लोगों को आता नहीं है, सेकेंड एक्सरसाइज का एक्चुअली वो मेथड है, ठीक है। डीएक्स लिखना मत भूलना भैया, अपनी कॉपियां चेक करो, सब बच्चों ने डीएक्स लिखा है, देखो कहीं छोड़ के बैठे होंगे, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन अभी सेकेंड एक्सरसाइज आपको आती नहीं है, उसमें मैं इनके प्रूफ बता पाऊंगा एक एक लाइन के, ठीक है। तो अभी तो वो रटाने पड़ रहे हैं मेरे को, या यूं बोलना पड़ रहा है राइट साइड का डेरिवेटिव कर दे तो लेफ्ट आएगी, तो लेफ्ट का इंटीग्रेशन राइट हो गई, वो आप चेक कर ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान से सुनो, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी होता है, या दो है, दो दो याद रखने पड़ेंगे, ध्यान देना जरूरत के वक्त जैसी प्रूविंग हो वैसा यूज करना पड़ जाता है, या सेकेंड लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भैया, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स होता है प्लस सी, या माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में इनका प्रूफ दिखता है ना, तो इनको याद अलग से रटना नहीं, अभी कोशिश जरूर करना रटने की, ठीक है। और मैं अभी आपको पूरा मेथड बोल नहीं पा रहा, लेकिन जिस स्टाइल में आप प्रूफ करोगे उसी स्टाइल में मैं इस फॉर्मुला रटने का एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूँ आपको, टेन और कॉट का। ये ऐसे दिमाग में रह नहीं पाएंगे भैया, अभी बहुत खिचड़ी बनने वाली है अगर आपने मेरी ट्रिक्स नहीं सुनी तो, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, एक बारी बच्चे टेंथ वाली टेन एक्स की वैल्यू बोलना, टेंथ में टेन एक्स की वैल्यू याद करते हैं, साइन बाय कॉस, जो साइन अपॉन कॉस जो जो इसकी वैल्यू में डिनोमिनेटर में जा रहा है वो लॉक का एंगल है, ऐसे रटो, वो लॉक का एंगल है, टेन और कॉट की फैमिली में एक जैसे रटना है, ऐसे कॉट की वैल्यू, अच्छा वो लॉक का एंगल है पहली बात। अच्छा एक बार ये सारे फॉर्मूले देखो, जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिनमें भी आंसर में सीओ आ रहा है वहां बार माइनस है, जिनमें भी आंसर में सीओ आ रहा है, आंसर में क्वेश्चन में नहीं, डेरिवेटिव में होता था क्वेश्चन में सीओ है, कॉस का डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन में सीओ है तो उसका डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ऐसे रखते थे। यहां जहां आंसर में सीओ आ रहा है वहां माइनस आ रहा है, जहां लगभग लगभग आंसर में सीओ आ रहा है वहां बार माइनस आ सकता है, एक केस पे आ रहा है, जहां आंसर में सीओ आ रहा है वहां माइनस आ सकता है, ऐसे एक जुगाड़ सा, ठीक है। और वो बोला कैसे, टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, तो लॉग का एंगल डिनोमिनेटर को, कल को प्रूफ भी इसी से होगा, ये दो लाइनों का प्रूफ है, ठीक है। लॉग कॉस और सी ओ आर है तो बाहर माइनस प्लस सी, अभी रटा बच्चा बोल रहा है ये कैसे आया, माइंड में सोचो एक बार ही, सोचो यही सोचो, ए लॉग बी का फॉर्मूला दो इसी को, तो ए लॉग बी सबको पता होगा, लॉग बी की पावर ए हो जाएगा, ये पावर इधर चली जाएगी माइनस वन, कॉस की पावर माइनस वन पलट दो वन बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स, किसी को दिक्कत है बोलना, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। वापस आ जाओ कॉट, कॉट का भी देखो वही वाला जुगाड़ है, और कल को प्रूफ भी बस ऐसे ही होगा, सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक भी आ गया, तो कॉस बाय साइन होती है सर वैल्यू, जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग के एंगल के साथ बोल दो, लॉग साइन एक्स, लॉग इसकी वैल्यू कॉस बाय साइन, डिनोमिनेटर साइन है ना, लॉग साइन एक्स प्लस सी। चलो सर पहला थोड़ा ध्यान में आया, दूसरा कैसे आया, रटना तो पड़ेगा भैया, दूसरा आया कैसे भैया, देखो साइन एक्स को आप पलट दो, इसको ऐसे समझो, लॉग अगर मैं साइन एक्स को पलट दूं, वन बाय साइन एक्स कर दूं, तो उसकी पावर नेगेटिव वन लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ठीक है भैया, वन बाय साइन एक्स की पावर माइनस वन, और इस पूरे की होल पावर माइनस वन लिख दूं, पलट दोगे तो पावर पॉजिटिव यानी यही आ जाएगा, प्लस सी तो है ही, और देखो यहाँ फॉर्मूला दे दो, लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आ जाती है, तो माइनस लॉग वन बाय साइन का मतलब कॉसेक एक्स प्लस सी, और जहां सी ओ आ गया देखो तो रेटाफिकेशन अपना सही है, बार माइनस है, ठीक है भैया, लिखना जरा एक बारी। हो गया जी, बढ़ाओ बात आगे, ठीक है। बच्चा बोलेगा सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हो गए, भाई खाली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये 6 ही नहीं है, बेसिक देखो वो तो हो गए, साइन कॉस सेक कॉस सेक टेन कॉट, लेकिन होने को यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन सीखना है, सेक स्क्वायर एक्स, एक बारी
एक बारी आप 10x का डेरिवेटिव याद कराना मेरे को, क्या था? sec square x. 10x का डेरिवेटिव sec square x है, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या है? 10x. ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना. अच्छा एक बारी मेरे को cot x का डेरिवेटिव याद कराना. cot x माइनस तो बोला ही नहीं, तो वो माइनस इधर भगा दो, माइनस कॉट एक्स प्लस सी. आंसर में सीओ आ गया ना, इंटीग्रेशन में तो माइनस आएगा ही, वो बात है ही है. सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x. एक मिनट, कॉसेक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स. जब आप रटने पे जाओगे, सब बच्चे सुन लो, 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इसमें शुरू में मिक्सिंग होती है, मैं ये नहीं कह रहा आप याद नहीं करते, मिक्सिंग होती है शुरू में. क्या सारा इंटीग्रेशन तैयार, कभी गलती नहीं की, बोर्ड में जाके उल्टा पुल्टा लिखा है. ठीक है, तो थोड़े से जुगाड़ बना लो, कल को एरर ना दिखे. ठीक है, बस साइन कॉस तो नॉर्मल है, कॉस साइन उल्टा, जहां सीओ आ रहा है माइनस, इसमें कोई घोटाला नहीं करता. सेक कॉसेक का इंटीग्रेशन, लॉक के एंगल आएंगे. सेक में वो सेक की फैमिली बहुत बड़ी होगी, सेक 10 का कॉम्बिनेशन होता है सेक प्लस 10. कॉसेक में कॉसेक प्लस कॉट, बाहर प्लस अंदर प्लस, तो बाहर माइनस और अंदर माइनस, तो बाहर प्लस. 10 और कट का जुगाड़ में दोबारा नहीं बोल रहा, वो साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन से बताया मैंने आपको. ठीक है, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ. ये वाले ना ऐसे मत याद रखना, बहुत नुकसान होगा भैया, बहुत नुकसान होगा. या कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज है जिसमें करना इंटीग्रेशन है लेकिन बिना डेरिवेटिव के होता नहीं है, जिसको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकेंड एक्सरसाइज ही है. तो कहीं डेरिवेटिव भी करना है, कहीं इंटीग्रेशन में भी, तो वहां खिचड़ी हो जाती है. आप दोनों फॉर्मुले याद कर लिए ना, दोनों और बराबर याद कर लिए, दोनों इंटीग्रेशन का भी और डेरिवेटिव का भी, तो एक्सीडेंटल एरर आएंगे. तो कुछ जगह मैं आपको कहूंगा भाई डेरिवेटिव का ही अच्छा रहेगा, डेरिवेटिव का ही याद करना, इंटीग्रेशन का रिवर्स सोचना हमेशा. जैसे इन दो फॉर्मुलों में आप सब बच्चे डेरिवेटिव का ज्यादा सॉलिड तैयार करो कि 10 का डेरिवेटिव sec square होता है, और इसे रिवर्स सोचो हमेशा कि 10 का डेरिवेटिव sec square होता है तो sec square का इंटीग्रेशन 10x होता है, नहीं तो आगे गलती आने वाली है. कॉटेक्स का डेरिवेटिव अगर माइनस कॉसेक्स स्क्वायर होता है तो माइनस कॉसेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉटेक्स होगा, और वो माइनस एक कांस्टेंट है, वो राइट भी लिख सकते हैं, तो कॉसेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स प्लस सी होगा. ये उल्टे ध्यान रखना कि 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक्स स्क्वायर. माइनस वाली बात समझ नहीं आई, माइनस कैसे ऐसे कर ले यार, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट ना, ये तो आ गया. Yes, sir. हाँ, तो माइनस को राइट साइड भगा देना, इधर से डिवाइड कर हट गया, उधर ले जा माइनस आ गया, और वो माइनस सी होगा, उस माइनस सी को एक नया कांस्टेंट वापस प्लस सी1 बोल दे. Yes, sir, क्लियर है. वैसे मैं समझाना नहीं चाह रहा था तुम्हारे पूछने के बाद भी, क्योंकि ये बात अभी आगे आएंगी, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, ये तो मैंने जुगाड़ में ऐसे ही बोल दिया भाई. अब ये क्या पता लेफ्ट इंटीग्रल है, राइट उसका आंसर है, कि लेफ्ट में क्या चीज राइट जा सकती है, हम ऐसे डिवाइड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी तो पॉइंट है ना टेक्निकल, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, मतलब दो एक्सरसाइज लग जाएंगे इन बातों को समझाने में. ठीक है, अब रट लो भैया. तो वैसे तो दो चार फॉर्मूले और बचे, ज्यादा बचे नहीं है, वो भी लिख दूं. हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे हो गए, याद करने का जुगाड़ बता दिया, अच्छे से ध्यान दे लेना. आप अगर इसे दो क्लास आगे पर लगा गए कि भैया प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे, ठीक है भैया, आप बहुत बुरे फंसने वाले हो इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन कहीं से भी सीख रखी है वो तो काम आने वाली है नहीं, वो आपको दो क्लास में आइडिया आ जाएगा. एनसीईआरटी में ये आइडिया दिला दूंगा, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी शुरू नहीं करूंगा. अभी नेक्स्ट, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन. जैसे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है भैया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो ऑब्वियस e की पावर x का इंटीग्रेशन भी वापस e की पावर x होगा. ठीक है भैया. अच्छा, a की पावर x का डेरिवेटिव याद करना, ये थोड़ा सा भूल जाते हो, आप डेरिवेटिव भी भूल जाते हो. ये होता था a की पावर x * log a, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन, डेरिवेटिव में वो log a मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में वो log a डिवाइड में आता है. रटाफिकेशन ही बोल रहा हूं, अभी कोई लॉजिक नहीं दिया, और लॉजिक इस वक्त समझने के लिए एक ही है, इसका डेरिवेटिव कर दे ही आ रहा है, करना देखे a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x * log a, डिवाइड का कांस्टेंट सेम रहेगा, कट जाएगा, वापस a x पहुंच गए, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा. लेकिन ये काम नहीं आएगा इंटीग्रेशन में, अलग से रटो, ऐसे रटो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x * log a होता है, उसमें मल्टीप्लाई में log a लिखते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड में, कोई और पैटर्न मत पकड़ो, रट नहीं है, प्योर रट्टा डालो. ठीक है भैया, a की पावर x का इंटीग्रेशन. ठीक है, एक बारी मेरे को वो log x का डेरिवेटिव बताना. 1 by x. इसमें बहुत एरर होती है भैया, उल्टे पुल्टे में. अभी देखो आप इतना अच्छे, जो सबसे बढ़िया बच्चे हैं वही अचानक से गड़बड़ कर देंगे. ठीक है, और मैं आपको बार बार फील दिलाऊंगा, बोलने में कभी कभी मत छोड़ना, मैं बार बार दिखा दूंगा, देखो आप फंस गए, आप उल्टा बोल गए, इतनी आसान बात भी. log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x plus c.
log x plus c. लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसको ट्रिकी ऐसे टी बोल दो, ये भी कभी भी दोनों नहीं तैयार करने, इसको रिवर्स लेके आना हमेशा. log x का डेरिवेटिव हमें बहुत अच्छा याद है 1 by x है, तो अगर log x का डेरिवेटिव 1 by x है तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x है, रिवर्स लाना है इसे हमेशा. ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्या होगा मैं कह रहा हूँ, अच्छे बच्चों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, एवरेज और बिलो एवरेज की तो बात भी नहीं कर रहा मैं, कि 1 by x का इंटीग्रेशन करना है, बच्चा अपने आप से ऐसे आ जाएगा. सर देखो 1 by x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, शुरू तो कर ही लेगा वो. सर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, और फिर अचानक उसको पता भी लगेगा माइनस 1 प्लस 1 तो नीचे 0 हो गया, 0 मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, आंसर तो आया नहीं, क्या घोटाला कर दिया. ठीक है भैया, अरे अब चली गए गलत, वो वैसा कुछ है ही नहीं. अगर log x का डेरिवेटिव 1 by x है तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x है. अच्छा एक बारी जल्दी से बताना log x का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो कोई तो बोलो. इसमें अब होगा क्या, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, बीच में कहीं log x भी होगा, आप फटाफट उसका इंटीग्रेशन 1 by x लिख दोगे, होता नहीं है. जबकि ये तो अपने आप में एक अलग टेक्निकल क्वेश्चन है, पांचवी एक्सरसाइज तक सीखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिख के बाय पार्ट एक पूरी ट्रिक है उससे इंटीग्रेट. कोई भी चीज तैयार करने को नहीं कह रहा भैया, अभी सिर्फ फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ समस्याओं में फंसना मत, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहा हूँ. ठीक है भैया, तो क्या मैंने क्या बोला, ट्रिकी जरूर लिखो क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल एरर आप करने वाले हो. लॉग एक्स का सिर्फ डेरिवेटिव याद रखना है हमने, 1 by x का इंटीग्रेशन वापस लॉग एक्स, और एक स्टार मार्क दे दो कि लॉग एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. डायरेक्ट मतलब कोई फॉर्मूला रटा हुआ और हमने बोल दिया इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं. ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल. दो बारी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेरा ध्यान ही है, मुझे पता है यार नॉर्मल पढ़ा दूंगा, ये यहाँ गलती करेंगे, तो मैं तो वही बता रहा हूँ, पहले मेरा ध्यान पढ़ाने पे तो है ही नहीं, गलतियां बचाने पे ज्यादा है. लॉग एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा बात की बात. ठीक है भैया, बस इतने फॉर्मूले आप अभी लिख लो और फटाफट से याद कर लो. होगा ये मैं 5-7-10 बच्चों से मुश्किल से सुनूंगा, 10 मिनट लूंगा मैं मुश्किल से फॉर्मूला सुनने में, जो बच्चे मेरे को सुनाना चाह रहे हैं, और बाकी इनके साथ साथ अपना माइंड में माइक बंद करके सुना लेंगे ताकि सारा बैच क्लियर हो जाए. जो बच्चा यहाँ सुस्ती कर गया, नहीं याद कर पाया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो इंटीग्रेशन नहीं समझ पाएगा, जबकि बहुत जबरदस्त बातें समझाएंगे, हर चीज समझ में आएगी, फॉर्मुलों के चक्कर में उलझे रहोगे. ठीक है भैया, अब फटाफट से लर्निंग शुरू कर दो. मैं लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख देता हूँ, उसको देख देख के आप राइट, जो भी बढ़िया बढ़िया से बच्चे हों बोल देना पहले 7-8, और बाकी उनके पीछे पीछे घर पे अपना माइंड में बोल देना माइक बंद करके. जल्दी से याद करना शुरू करो, एक भी ऐसा नहीं होगा आप में से जो इसे छोड़ दे बिना याद करे. आपको याद है बहुत अच्छी बात, वो बस सुना देना मेरे को फिर. ये काम करना बहुत जरूरी होता है, और समझदार बच्चा जानता है, पहली बारी कोई सुना गया बहुत बढ़िया सा बच्चा, वो एक बारी में रुकता नहीं है. यहाँ 10 बच्चे बोलेंगे या बैच में 50 बच्चा, जब हम फिजिकल सुनते हैं 50 बोलेंगे, 50 बारी से बार बार बोलता है, इस वजह से क्वेश्चनों में एरर नहीं आती, तो फिर वो आगे सीख सकता है. तो वही पैशन लेके आना वापस. बहुत टाइम नहीं लगा सकते, एग्जाम टाइम है, मैं कह रहा हूं मैं 7-8 बच्चों से सुनूंगा, उतनी देर में सबको पक्का करना है भैया, कि साथ के साथ आप कर पाओ ना, आपने कंसेप्ट समझा आप कर पाओ, वो बिना फॉर्मूले याद किए नहीं होगा. और जो मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं हमें सारे याद हैं, जरा आ जाओ देखो, पहले भी फंसाऊंगा, आ जाओ बिना याद करे आना, बस अभी बस ये जिद करना सर पहले से याद थे, अभी सुनाते हैं. हाँ जी, कईयों के वैसे तैयार होंगे, मैं तो बातें इधर उधर की ऐसे बोल लेता हूँ, आपको तैयार है, हम बस ये लेफ्ट हैंड साइड देख के बोलना शुरू करो फटाफट फटाफट इंटीग्रेशन. हैंड रेस कर सकते हैं जो जो सुनाना चाह रहे हैं, बस शर्त ये है आप किसी भी हालत में देखेंगे नहीं, मैं आपको वीडियो खोलने को नहीं कहूँगा, लेकिन आप देख के नहीं सुनाएंगे, गलत हो जाए हाँ जी. आयुष कुमार बोलना शुरू करो बच्चे, ऑर्डर में बोल दो आयुष, आपका हैंड रेज आ गया. चलो आयुष का अभी कोई दिक्कत लग रही है, मुकुल आप सुनाओ.
अशोक से पता नहीं था। सबसे पहला फर्स्ट स्टार्ट करता हूं x, सबसे पहला x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, a का हो जाएगा ax प्लस c sin x हो जाएगा। एक मिनट, बाकी बच्चे जिनको याद है ना भैया, वो इसके पीछे पीछे माइक बंद करके बोल लो 4-5 बार, ही आपके वैसे ही पक्के हो जाएंगे। और आप बिल्कुल गलती के बिना सुनाए जा रहे हो, तो बस तैयार हैं आपके? ठीक है, हाँ। थर्ड, साइन एक्स हो जाएगा कॉस, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। रुको, आंसर में, आंसर में जहाँ सी ओ आया माइनस बोलना, माइनस कॉस एक्स। यस सर, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10 एक्स प्लस सी। रुको, गलत नहीं बोला है log, लेकिन log के साथ mod जरूर बोलना। log mod of sec x plus 10 x plus c। yes sir, log mod x mod sec x plus 10 x plus c, cos x का हो जाएगा cos x log cos x minus cot x mod cos x minus cot x plus c minus of cos x plus cot x mod cos x plus cot x plus c। आराम से, confuse नहीं होना, रुक जा, confuse नहीं होना है। माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, आगे लॉग भूल गए थे आप। 10x का इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर x प्लस सी, कॉस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स dx का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x प्लस सी। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट, देखो ये सबसे ज्यादा तैयार होगा ये बच्चा, मैं कम तैयारी वाला बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसे एरर आती है, ऐसे एरर आ जाती है। तो 10 और कॉट को दोबारा से सारे फोकस कर लेना जो याद कर रहे हो, अभी आएगी, मान लो अभी आप सुना गए, 3 क्लास बाद भी आ सकती है। ठीक है भैया, 10 वो दिखना चाहिए, इसका प्रूफ दिखेगा तब बेटर हो जाएगा, लेकिन प्रूफ तो बताया नहीं, लेकिन उसी शैल में बताया था कि 10 साइन बाय कॉस है, जो डिनोमिनेटर है वो लॉग के एंगल में बोलना है, लॉग कॉस, और सी ओ आ रहा है तो बाहर माइनस, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। वो बच्चा ये वाला स्टाइल को ही बोल गया, मिक्सिंग आई ना देखो इन फॉर्मूलों की, और इसके याद है तब मिक्सिंग आ गई। ठीक है भैया, हाँ अगर रिवाइज करना है तो यहाँ से कर लो, उसके बाद बोलना। yes, सब इस हिसाब से टाइम लगाओ, एक अभी एक मात्र 13 फॉर्मूला है, फॉर्मूला ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए, बाद में मिक्सिंग होगी, अभी तैयार करो और आ जाओ। इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे बैठे हो, क्या कर रहे हो? ज्यादा टाइम मत लगवा देना भैया, 10 मिनट में सबको फाइनल होना है। dx का सर सिर्फ ax बोलेंगे ना? दोबारा बोलना सर, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसका ax ax plus c ax plus c बोलेंगे ना? ax plus c बोलेंगे। अपने आप को सुनाओ पहले, दो बारी याद होते के साथ। अच्छे से क्लास में तो सबको पता है, शुरू में कुछ से सुन लिया 10-15-20 से, बाकी फिर एक दूसरे ने सुन लिया, काम निपट गया। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जेन्युइन याद करना जी। अब यहाँ ऑनलाइन ऐसा तरीका समझ में नहीं आ रहा, बच्चे एक दूसरे से कहाँ से सुन ले, आपके पास कोई आइडिया है तो बता दो तो काम हो जाए। 12वीं वाले बच्चे हो ना, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता होगा इन बातों में। सर ब्रेकआउट रूम बन जाते हैं। क्या बन जाता है? ब्रेकआउट रूम्स बन जाते हैं। अच्छा, रूम्स तो बन जाते हैं वो तो। खैर जल्दी, अच्छा कोई और तो आओ भाई, मुकुल पूरे करेगा सर, एक सेकंड। चलो अक्षित सुनाना शुरू कर रहा है, अक्षित बोलो, देखना मत चाहे गलत हो जाए। x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, दूसरी का ax प्लस c माइनस cos x प्लस c sin x प्लस c log mod sec x प्लस 10x plus c log mod cos x plus cot x plus c, इसको दूसरा है minus log mod cos x plus cot x plus c
माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, इसका दूसरा है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी टेन एक्स प्लस सी माइनस कॉट एक्स प्लस सी ई एक्स प्लस सी ए एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी लॉग एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये लेवल अभी आ जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये देखो, इसने इतने अच्छे याद करके सुनाए हैं, ये भी दो क्लास बाद ना दोबारा याद करेगा, कोई कोई इक्का दुक्का, ये मिक्स हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों गलत हो गया, दोबारा देखो इसे, तब समझ भी होगी, थोड़ा प्रूफ भी हो गए होंगे सेकंड एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से, इसमें से जो थोड़े से फंस रहे हैं और बेटर याद हो जाएंगे। आज का मूवमेंट जिसने पास कर दिया ना, याद नहीं करा और मैंने समझाना शुरू कर दिया 5-7 मिनट बाद, आप चैप्टर खराब करने वाले हो, आप जल्दी करो। हाँ जी, और भी तो आओ यार, बहुत सारे सुना सकते हो आप, आंचल सुना देगी बड़े आराम से, जल्दी सुनाती है। हाँ सुनाओ। x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c e ax plus c minus cos x plus c sin x plus c then log into mod of sec x plus tan x plus c then log into mod of cos x plus minus cot x plus c और माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। एक मिनट, यहाँ बस एक थोड़ा सा बोलना का गलत है, सोच तो आप सही रहे हो, आपको पता भी है, इनटू मत बोलना ना, इनटू तो नहीं बोलेंगे ना, एंगल है इसका। ओके हाँ आगे। देन लॉग सेक एक्स प्लस सी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी लॉग साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी देन टैन एक्स प्लस सी माइनस कॉट एक्स प्लस सी ई रेस टू पार एक्स प्लस सी ए रेस टू पार एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी लॉग एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ, कॉन्फिडेंस आता है सुनाने से, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, भूलते नहीं हो, घर में बैठ के अपने आप को सुनाओगे कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा, सारे दिन अपने आप से तो बातें करते ही हो, और मैं सबसे सुन भी नहीं पाऊंगा, मैं 7-8-10 बच्चों से बस, बाकी तो फिर चलिए। और कौन है? पीयूष कलावत सुनाएगा भाई, पीयूष कलावत। यस बी हो गया याद? यस बी हाँ, तो शुरू करो ना भाई। ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c ax प्लस c माइनस cos x प्लस c sin x प्लस c log sec x प्लस log mod sec x प्लस tan x प्लस c देखना मत, चाहे गलत हो जाए। log mod cosec log mod cosec x कोई बात नहीं, जहां रुक गए कोई घबराने की बात नहीं है, वहां से फिर दोबारा आगे कर लो, यहां से दोबारा कर लो थोड़ा, फिर अपने आप को एक दो बारी सुनाओ, कॉन्फिडेंस आए। रियल लर्निंग से log log mod cosec x minus cot x plus c minus log mod cosec x plus cot x plus c आखिरी 2 मिनट है भैया, मैं इससे ज्यादा आज नहीं टाइम लूंगा, अगली क्लास में 10 मिनट दोबारा टाइम ले लूंगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी पक्के हुए नहीं किसी को भी, 2-3 ही बच्चे क्लियर हुए हैं अभी, बस चैप्टर खराब हो जाएगा आपने याद नहीं किए तो। माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी लॉग लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी tan x plus c minus cot x plus c e की पावर x plus c a की पावर x upon log a plus c log x plus c। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, अभी रोक दें, अभी आगे कर लें, क्योंकि एकदम से कुछ बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में सब तैयार होने चाहिए, तब भी सबसे सुनने का टाइम नहीं होगा, लेकिन 10-15 सुनाएंगे और उसके पीछे पीछे 10-15 बारी सारे बच्चे माइंड में बोल लेंगे, तो ये काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? और पहले याद करके बैठना, तभी मत याद करने बैठना, मेरी क्लास से पहले याद करके बैठना सारे बच्चे। हाँ जी, अभी आप आगे के कंसेप्ट सुन लो, अभी सुन लो, और जहां जहां आपको फॉर्मुलों की जरूरत पड़े वहां वहां आप लिखे, या तो याद आ रहे हैं आपने भी कच्चे पक्के तो याद किए,
बहुत अच्छा, नहीं याद आ रहे तो देख लेना, लिस्ट देख लेना, और जो क्वेश्चन आपके बन रहे हो बोलते रहना, ठीक है भैया। अभी मैंने इनवर्स के नहीं लिखवाए, इनवर्स जहां इंटीग्रेशन में आता है ऐसा कुछ नहीं लिखवाया, बताऊंगा पहले, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले दिए आपको। हाँ जी, एक मिनट सुनो, जरा ध्यान से सुनो, 7.1 का अभी पे एक से पांच तक छोड़ दो, एक से पांच तक छोड़ दो, वन मार्कर आ सकता है, मना नहीं कर रहा, एक्सरसाइज के एंड में रीड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है जी। अभी के लिए सिक्स भी बोले छोड़ दो, सिक्स भी छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि ये रटाने पे आया तो करा दूंगा, कंसेप्ट सोचना है तो सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, तो सेकंड के दो क्वेश्चन बोलूंगा, वापस लौट के इस पे आऊंगा, वापस लौट के इस पे आऊंगा, ठीक है जी। अभी सातवें से शुरू कर रहे हैं हम सभी, अभी अपने आप कुछ मत करना भैया, कुछ मत करना, सुनो, क्योंकि एक इंटीग्रेशन लिख के कुछ होना नहीं है, क्वेश्चन सारे घटिए हैं इस वक्त, ठीक है। हमारा ध्यान कहीं और है अभी, कि जब जिस दिन इंटीग्रेशन खत्म होगी हम मिक्सिंग में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करना है, पहला रूल, पहला रूल, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अगर इसका फॉर्मूला रटा है तो ही इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव में फिर मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव याद है तुम्हें, कभी तुम्हें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, फॉर्मूला याद है, तुम कर सकते हो, लेकिन मान लो एंगल चेंज हो गया तब भी तुम कर देते हो, बस चेन रूल लगा देते हो, पावर कुछ और आ गई तब भी कर देते हो। मैं यह कह रहा हूं, यहां एंगल चेंज हो जाए, पावर आ जाए, आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, भूल जाना, और होगा तो फिर आगे मेथड बढ़ेंगे, नई नई बातें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज क्या कह रही है, एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर्म आएगा और हम इंटीग्रेशन लिख देंगे। एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका मैंने फॉर्मूला रटा हुआ है, मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, पहली बात, मान लो ये स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है और इसका फॉर्मूला रटा हुआ है कि कैपिटल एफ एक्स है, लिख दो, रटा हुआ फॉर्मूला लिख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। दो अलग अलग ऐसे फंक्शन आ गए, स्मॉल एफ एक्स और जी एक्स बोल रहा हूँ भैया, जो प्लस या माइनस में है, जिनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें रटा हुआ है, अलग अलग फंक्शन जो प्लस या माइनस में है, मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, डिवाइड में नहीं होने चाहिए, प्लस या माइनस में आ गए, तो उनका इंटीग्रेशन मान लो स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स ऐसे रट रखा है हमने, स्मॉल जी का मान लो कैपिटल जी एक्स ऐसे रट रखा है, प्लस सी, जिन फंक्शन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है, अकेला आया इंटीग्रेशन कर सकते हो, वो प्लस या माइनस में आए बहुत सारे इंटीग्रेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में आए नहीं कर सकते, किसी हालत नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ट्रिक कोई नहीं बोलिए, नॉर्मल है, और ये ऐसा नहीं है इस पे कोई नोट्स बनाओ आप, ये तो बेसिक सी बात है, चार क्वेश्चन करोगे अपने आप से बोलने लगोगे। अभी वापस आओ, ठीक है। अब जैसे मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने कहा अकेला एक्स स्क्वायर आता मैं कर देता, अकेला कॉन्स्टेंट आता मैं कर देता, 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं x की पावर माइनस 2 देख रहा हूँ, x की पावर माइनस x की पावर n जैसा इंटीग्रेशन कर देता, लेकिन ये तो चीजें मल्टीप्लाई में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पहला मेथड लिखना भैया, लास्ट के जहां 10 पेज रिजर्व कर रहे हो उसमें दो पेज फॉर्मूला के थे, ठीक है, दो पेज, पहले दो पेज फॉर्मूलों के लिए बिल्कुल छोड़ देना, तीसरे पेज पे आ जाना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये नोट्स बहुत बड़ी कीमत है आपके लिए। पहला मेथड है बाय सिंप्लीफाइंग, बाय सिंप्लीफाइंग, कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई में क्या करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अपने आप ही हो रहा है, कर दो, अपने आप ही प्लस हुआ माइनस हुआ मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड हुआ, और वो शक्ल वो बन गई जिसका फॉर्मूला रटा हुआ है, तो सीधा इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। अभी देखो क्या होगा, आप सुनना, थोड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, इतना आसान आप मेरे को पहली बारी में बहुत बच्चा सिखा देगा, सर हो रहा है और हो गया, ये आंसर आ गया, और कुछ गलत नहीं बोल रहे, बढ़िया कर रहे हो, लेकिन यह मिक्सिंग की समस्या है। मेरा सारा ध्यान कहाँ जा रहा है, जिस दिन सारे मेथड हो जाएंगे ना, 40 टाइप एंड ट्रिक्स हैं, 15 मेथड हैं, ठीक है भैया, और बहुत सारा फॉर्मूला है, तो खिचड़ी मचेगी, फिर सबसे आसान क्वेश्चन शायद अटक जाए और सबसे बढ़िया तुम कर सकते हो, ये हो सकता है। तो हर चीज को बिल्कुल ऑर्डर में तैयार करना है, पहले पहले मतलब कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, मैं पहले आखिरी मेथड बीच के मेथड पे नहीं जाऊंगा कि बहुत मुश्किल है तो बस कोई अच्छी बात सोचनी है। मैं सबसे पहला जिस दिन मैंने चैप्टर शुरू किया था क्या सीखा था, सिंप्लीफाई करना है पहले, मल्टीप्लाई ऐड सबट्रैक्ट कुछ हो रहा है वो करना है, करना है, अगर वो हो रहा है तो करो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो, बेसिक को मत रूल आउट करना, नहीं तो फंस जाओगे। सर ये मल्टीप्लाई तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करी कट गया 1, और अब देखो सर अकेला एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले में जा रहा है, अकेला कॉन्स्टेंट वो ए का इंटीग्रेशन ए एक्स में जा रहा है, और दो चीजें जिनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रटे हैं उनकी प्लस माइनस की इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं, तो कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब होगा क्या, चलो आप सीख सब रहे हो, डीएक्स लिखना भूल जाओगे, एक भी स्टेप में डीएक्स मत छोड़ देना, ठीक है भैया।
अब बताना देखो इस पर x की पावर n वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना बेस वेरिएबल पावर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो x की पावर, पावर एक बढ़ा देते हो, n प्लस वन टू प्लस वन थ्री, वही पावर n प्लस वन नीचे आती है थ्री, वन का इंटीग्रेशन जैसे a का ax था, वन का वन एक्स प्लस सी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बच्चा बोले सर मान लो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें अभी सोच लो, बार बार कौन जवाब देगा। तो इसका एक सी आएगा, इसका एक सी आएगा, तो ठीक है दोनों के आएंगे, और दो सी ऐड होके एक नया कॉन्स्टेंट बनेगा, उसे एक ही बारी लिखेगा ना, बार बार थोड़ी लिखता रहेगा। ठीक है, आंसर है, करो, कोई क्वेश्चन है इस पर तो बोलो, हर छोटी से छोटी बात समझना, क्वेश्चन आप कर सकते हो उसको बाजू कर दो, हमें बेसिक सीख के चलने हैं। और एक फॉर्मूला कम से कम दिमाग में बिठा लो, पहला गया ना अभी, बच्चा कह रहा है मैंने सारे नहीं याद किया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सी, कितना भी आता है गलती करोगे, कब, जब ये ध्यान से छूटेगा, इसमें बेस वेरिएबल था, पावर कॉन्स्टेंट थी, तभी ये फॉर्मूला है। हो गया होगा, ठीक है जी, एक मिनट मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा। देखो ऐसे तो कोई भी करा देता है और सबके नंबर थोड़ी आ जाते हैं, करा कोई भी देता है, आपको लगता है आपको अभी क्या नंबर नहीं आने हैं, एक मिनट ये जवाब देना भैया। ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल आज ही इंटीग्रेशन सीखा है वो बोल देना, देखो बोल दो जरा फॉर्मूला, बोल दो इंटीग्रेशन, बोलो ना, इसका क्या दिक्कत है, कोई तो बोलेगा, लग रहा है एक्स की पावर एन वाला या नहीं, चलो इतना बता दो। नहीं सर, सर नहीं लगेगा, वो कंडीशन सुनना अभी, ये तो मैंने भी नहीं बोली थी, डायरेक्ट नहीं बोली मैंने ये। ठीक है, बेस पर मैं तो यही बोल रहा था ना, वेरिएबल होना चाहिए, पावर पे कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तो बेस पे वेरिएबल जैसा ही था यार, लेकिन वेरिएबल का मतलब एलजेब्रा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम कुछ नहीं चलेगा, एलजेब्रा होना चाहिए। ठीक है, उसकी पावर एक कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तो ये रटा हुआ फॉर्मूला, एलजेब्रा की जगह ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स, लॉगरिथम, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स आया, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, टाइप ट्रिक्स अलग है, फिर टाइप्स एंड ट्रिक्स बोल रहा हूँ, अलग है, मेथड में नहीं कवर कर रहा। ठीक है, सातवां हुआ, नेक्स्ट, इतना ना टोका जाए तो बाद में एक्सीडेंटल एरर तो बहुत बच्चा कर देता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन करना है, dx लिखना मत भूलना, बार बार टोक रहा हूँ। ठीक है भैया, एक थोड़ी सी गेम खेल लो, अगर ईमानदारी से खेलो तो दो क्लास में तुम्हारी आदत ठीक कर दूंगा मैं भी, क्वेश्चन कराते कराते बीच में ध्यान दिलाऊंगा। देखो तुमने dx नहीं लिखा, जिसने नहीं लिखा ना वो अपने गाल पे एक छोटा सा थप्पड़ जरूर लगाना उसी वक्त। ठीक है भैया, तो आदत सुधरेगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ अभी अभी एक मिनट देखो जरा, एक मिनट, नया रूल सुनो, नया रूल सुनो सारे, अलग से प्रॉपर्टी लिखनी हो लिखना, कोई कांस्टेंट, के कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें फॉर्मूला रटा हुआ है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाले किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट वैसे ही रहता था, सिर्फ वेरिएबल वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, ऐसे इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन आपको वेरिएबल डिपेंडेंट वाले का करना है, तो k तो एज इट इज रहेगा, और मान लो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, वही डेरिवेटिव वाला रूल है, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, 2 सेम रहेगा x का वन, 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, 2 सेम रहेगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, वही रूल है ये, प्रॉपर्टी बनानी हो तो बना लो, नहीं तो ऐसा कोई खास बात नहीं है किसको कोई स्पेस दिया जाए। एक मिनट जरा ध्यान से सुनना, तीन क्वेश्चन मान लो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, जिसका इंटीग्रेशन करना है, ये मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बाहर गया, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बाहर गया, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉन्स्टेंट मान लो आपको बाहर रखना है तो अंदर वन का बचेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है भैया, काम बन जाएगा, प्लस सी लिखी दोगे आप, तो देखो ए मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट करना है, ए मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, वही पावर नीचे आती है एन प्लस वन यानी थ्री, जहां दिक्कत हो आपको बोलना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एन प्लस वन, एन प्लस वन यानी वन प्लस वन टू, वही एन प्लस वन यानी सेम पावर नीचे आती है प्लस, जैसे ए का इंटीग्रेशन ए एक्स था, सी का सी एक्स हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट को अब सी लिखो या कुछ और बोलना पड़ेगा, सी ऑलरेडी यूज है, इतना तो कोई भी बोल देगा सर कुछ और बोल लो। ठीक है भैया, तो चलो यहाँ सी वन बोल देते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, छोटा क्वेश्चन रोक मत देना अपना, जरा सी भी बात है पूछ पूछ के चलना, वो एक पूछेगा सारे सीखेंगे और सबका बढ़िया तैयार होगा। बेस cx कैसे? हाँ जी, जैसे कि a का इंटीग्रेशन आपने सीखा था ना, a का x के रिस्पेक्ट में करना हो, तो मैं बोल रहा था a तो को a इंटू वन लिख सकते हैं, तो a को तो बाहर ले लो, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट का तो होगा नहीं, यानी वन का कर लो, सर वन भी तो कॉन्स्टेंट है, अरे वन को वेरिएबल लिखना चाहो तो x की पावर जीरो हो सकता है, फिर मैंने कहा था x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये x की पावर 1 अपॉन 1 यानी x हो गया, यानी कुल मिला के ax प्लस c आ गया, तो ये तो इसका पूरा रीजन आ गया,
अब रट लो अकेले कॉन्स्टेंट का जब भी करना हो, जैसे ए का करना है तो ए एक्स प्लस सी, सी का करना है सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, मान लो यहाँ ऑलरेडी सी है तो उस वाले कॉन्स्टेंट को कुछ और नाम दे दो। क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. सी का सी एक्स प्लस, अब कॉन्स्टेंट को सी तो बोलूंगा नहीं, सी अदर बातों के लिए यूज है, किसी और कॉन्स्टेंट के लिए यूज है, यहाँ डी लिख दो, सी वन लिख दो। नेक्स्ट नाइन्थ, जो फॉर्मूले आ रहे हैं उन्हें हाथ के हाथ पक्का कर लेना कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। डी एक्स इंटीग्रेशन करना है, देखो मल्टीप्लाइंग टू एक्स स्क्वायर का करना है ना पहले, भाई दो फंक्शन अलग अलग हैं प्लस में तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, इसमें मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है दिक्कत नहीं है बाहर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन टू प्लस वन थ्री, वही पावर एन प्लस वन यानी थ्री नीचे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस थ्री, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा है, आपकी लर्निंग पावर चेक करा रहा है आपको, ठीक है भैया। सोच के खुद करना है, कॉपी नहीं करना है, किसी ने भी कॉपी नहीं करना है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन के हिसाब से, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ भी जिसने कमी छोड़ दी ना इसको आसान मान के वो फंसने वाला है। हर चीज सीखने जैसी है, जवाब देना एक छोटी सी बात का, सभी बच्चे जवाब देना, सुनना जरा ध्यान से, नहीं तो आज नहीं बोला तो कल फंस जाओगे कभी, ठीक है। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, अच्छा क्या मैं इसे ऐसे बोलूं, देखो ये पूरे को x मान लेता हूँ, x की पावर n लगा दें, x की पावर n वाला फॉर्मूला, या नहीं लगा सकते? नो सर, नहीं लगा सकते। सर बात ये हुई थी कि प्योर फॉर्मूला फॉर्म होगी ना, अभी सारी बातें बताई नहीं है, बच्चों भी सुनते रहना, प्योर फॉर्मूला फॉर्म होगी तो ही फॉर्मूला लगेगा। पावर कॉन्स्टेंट मान रहे हैं लेकिन बेस वहाँ वेरिएबल था, अच्छा वेरिएबल जो बेस था अगर पावर को छोड़ दूं मैं, अब ध्यान से सुनो ये अभी तक नहीं बोला है, जो बेस पावर के अलावा बेस है वो एक लीनियर वेरिएबल है, वो ध्यान देना कंडीशन है लीनियर, इस पावर को छोड़ दो तो एक्स की खुद की पावर तो वन ही बोलोगे ना, यानी पावर के अलावा ये लीनियर वेरिएबल, और ये पावर के अलावा ये वेरिएबल लीनियर नहीं है भैया, ये एक्स की पावर हाफ है, ये एक्स की पावर माइनस हाफ है ऊपर जाके, ये बात नहीं बनने वाली, ये सेम टाइप है ही नहीं। तो क्या करें, कुछ आता नहीं अभी, बिल्कुल कंसेप्ट से पकड़ के चलना, कुछ आता नहीं अभी, सर एक ही मेथड सीखा है सिंप्लीफाई, और यार ये सिंप्लीफाई तो हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो लगा सकते हो आप, ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, माइनस टू ए बी में सब देख रहे हो रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स कट जाएगा टू बच जाएगा। सर तीन अलग अलग चीजें ऐसे आई हैं, तीनों का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है भैया। एक मिनट, जो एक्सीडेंटल एरर आज नहीं होगी बाद में होगी, एक्स का तो कर लोगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन सी, इसका बताना क्या मैं इसे ऐसे बोलूं x की पावर 1 ऊपर जाके माइनस 1 और इस पे x की पावर n वाला फॉर्मूला दूं या नहीं? नो सर, नो सर, ये बाद में गलती होगा मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। 1 बाय, अच्छे से ध्यान रखना, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x था तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x है, कांस्टेंट का वो a का ax तो 2 का 2x, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलना। ये देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ऐसे, और इतना तो माइंड में कर लिया करो, क्या बच्चों की तरह लिखोगे, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 बाय x का log x मत लिखा करो, log का एंगल पॉजिटिव डिफाइन होता है जबकि यहां तो x कुछ भी है वेरिएबल है, तो मॉड जरूर लिखो ना, माइनस 2 का कांस्टेंट का a का ax तो 2 का 2x प्लस, कंफ्यूजन है तो बोलना। एक और गेम जो हम नॉर्मली फिजिकल में खेला करते थे इंटीग्रेशन में, कि शुरू में बच्चों को लगता है ठीक है ठीक ठाक आ रहा है, ऐसी कोई खास बात है नहीं, मतलब मेहनत थोड़ी सी होगी और हो जाएगा, जो रेगुलर बेस पे करेगा उसका हो भी जाएगा, लेकिन बीच बीच में ना आप मतलब बैच को बढ़ाओ, कुछ सुस्त बच्चे होते ही हैं, क्लास में पूरा सोच लेंगे घर पर प्रैक्टिस ही नहीं करी, भूल जाएंगे। तो गेम क्या है जो कि अभी भी है, लगभग है, लगभग है, सुन लो बात को, सुन लो पहले, ठीक है, कि आपको कोई ट्रिक कई बार समझाई जा चुकी है, आगे जाके पूछ ले गई नाम लेकर आप फंस गए। x में मॉडुलस क्यों आया है log x में? रुक तो जा, पहले मेरी बात तो सुन ले, ठीक है भैया। आपको कोई ट्रिक समझाई गई है और वो ट्रिक भूल गया, आप पूछने पे बता नहीं पा रहे, तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, अब वो ऑनलाइन के हिसाब से मिल जाएगी और वो पूरी ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी ध्यान से सुनते रहना, कौन बोला था भाई ये बीच में, आप बोलो ना, आप क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था तो सुना तो कर पहले। सर वो बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपके आवाज नहीं आ रही थी। ये अच्छा तरीका है बचने का। सर सच में नहीं आ रही थी। हाँ मैं तो कह रहा हूँ सच में अच्छा तरीका है, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। खैर सुनना, ध्यान से सुनना, लॉग का एंगल जीरो लॉग पर डिफाइन नहीं, लॉग जीरो डिफाइन नहीं होता बच्चे, लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, तो लॉग का एंगल ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना,
तुम लिख एक्स रहे हो तो तुम्हारी एक्स की गारंटी थोड़ी होती है कि जीरो नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा, एक्स वेरिएबल है, उसने बताया भी नहीं जीरो से बड़ा है, तो बता फिर एक्स लिखो डिफाइंड होगा या मॉड डालना पड़ेगा? मॉड डालना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट आ जाओ जी। हाँ आ गई, पहले पहला टाइप एंड ट्रिक, बहुत छोटा मानोगे, मैं एंड तक एनसीईआरटी एक्स्ट्रा सैंपल पेपर एंड तक अच्छे अच्छे बच्चों को इससे फंसाता रहूंगा, छोटी बात मत मान लेना, बहुत अच्छे से फंसोगे इस पे, ठीक है? सारे के सारे एक एक बच्चा फंसेगा और बार बार फंसेगा, और आज तुम मेरे को भी सिखा दोगे, ठीक है भैया? पहले सुन लो बात क्या है, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है, अभी तो क्या नॉर्मल शक्ल है ना, अभी कहाँ आइडिया आपको ये टॉपिक क्या है, ठीक है भैया? जैसे इंटीग्रेशन करना है तो मैं आपको कह ही चुका हूँ कि भाई डिवाइड में आ जाए तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आ गया डिवाइड में तो क्या करें, तो कोई बच्चा सर डिवाइड कर ही दो ना, मतलब पहली मेथड तो वही है ना, सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाइंग में डिवाइड कर सकते हो आप, और डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग डिविजन मेथड, दोनों की इंपॉर्टेंस है इस वक्त, एक कई बार क्या होता है नीचे सिंगल टर्म होती है। अब आप ऐसे समझो, पहली बात आप ये बताओ, सारे बच्चे देख के बताओ, आप डिवाइड क्यों कर सकते हो? जवाब दे दो, इतना तो आपको बोलना आता है, क्यों करते हो? ऊपर वाले की जो डिग्री है वो नीचे वाले परफेक्ट कंडीशन है, कम है तो वो तो है ही है यार भाई, डिवाइड एक्चुअली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करना है तो तब होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, इक्वल हो तब भी होता है, जरूर होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसे अपने स्टाइल में लिखवाऊंगा, मेथड नहीं है ये, कोई टाइप्स एंड ट्रिक में शक्ल देखते ही याद आना चाहिए, आप जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो जाओ अगर आपने रटा नहीं आप फंसोगे, ठीक है भैया? बताऊंगा अभी, इसको छोड़ो, आप पहले नॉर्मल करके समझ लो, सर ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी, डिवाइड करना चाहिए, अच्छा डिवाइड के दो तरीके होते हैं, मतलब ये बात में भी आप उलझा दोगे बाद में तो क्वेश्चन, जैसे अभी मेरे को करना है ना, मैं कुछ ना समझाऊं, आप मेरे को भी सिखाते और मैं भी सिखाता, देख बेटा सेपरेट करिए, एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4/x² हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, काम खत्म, अरे क्वेश्चन अटक गया सारे चैप्टर के। मैं कह रहा हूं अगर ऐसे है, सिंगल टर्म है नीचे तो सेप बाय सेपरेशन डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बताना अगर इसके साथ में कुछ और प्लस माइनस को दे देता, अब बाय सेपरेशन डिवाइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब आपको लॉन्ग डिविजन मेथड से ही डिवाइड करना था, जो आप 9th-10th में सीखते थे वही करना पड़ेगा या बहुत क्वेश्चनों में करना पड़ेगा? तो शुरू में टीचर रीजन कुछ नहीं दे रहा, वो कह रहा है ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर डिवाइड कर, कुछ अनोखे से ऐसे होते हैं, कभी सेपरेट मार दिया, कभी लॉन्ग डिवाइड में कर रहा है, तो कोई कोई बच्चा पता नहीं कब सेपरेट से डिवाइड हो रहा है, कब डिवाइड एक्चुअल करनी पड़ रही है, छोटी सी बात है पता आपको भी है, लेकिन एक बार ही सुनना चाहिए हर बात को, ठीक है? नीचे सिंगल टर्म है सेपरेट करके डिवाइड हो जाएगा, अगर ऊपर बड़ी पावर है नीचे के मुकाबले या सेम पावर है सेपरेशन से हो जाएगा, एक से ज्यादा टर्म है कभी सेपरेशन से नहीं होगा, एक्चुअल लॉन्ग डिविजन मेथड से होगा, ठीक है? दो बातें क्लियर हुई, सुनते रहना। अब मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप में से एक भी बच्चा इसे हमेशा ठीक बोल ही नहीं सकता कि ऊपर सेम या बड़ी पावर हो और नीचे छोटी पावर हो और आपको याद आ जाए डिवाइड करना है, आप कुछ दूसरी चीजें बोल दोगे कि सर ये कर दो वो कर दो, ठीक है? और वो क्वेश्चन हर हालत गलत होगा। ये टाइप्स एंड ट्रिक्स आप समझे होंगे, तीन कैटेगरी बनानी है, एक फॉर्मुलो की कैटेगरी बनानी है, एक जिसके दो पेज रखने हैं आपको, एक मेथड की कैटेगरी बनानी है जिसके तीन पेज रखने हैं, एक टाइप्स एंड ट्रिक्स की कैटेगरी बनानी है, इसमें आगे 4-5 पेज जितने जाएंगे सबसे ज्यादा यहाँ आएगा कुछ। टाइप्स एंड ट्रिक्स में ये लिखो, पहला टाइप एंड ट्रिक लिखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसे का डेरिवेटिव करना हो, ठीक है? सुन लेना पहले, मैंने सारी बातें भी बताई नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलाइक होने चाहिए, अलाइक मतलब ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए तब भी लगेगा ये रूल, ऊपर लॉगरिथम है नीचे भी लॉगरिथम होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, अलजेब्रा अलजेब्रा होना चाहिए, अलाइक फंक्शन है पक्का डिवाइड होंगे अगर ऊपर बड़ी पावर या छोटी सेम पावर है पक्का डिवाइड होंगे, ठीक है? अगर डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या बराबर है तो यहाँ आपको फर्स्ट डिवाइड करना है देन इंटीग्रेट करना है, और आप मानोगे नहीं जब तक आप गलत करोगे नहीं, और समझदार बच्चे को मानना भी नहीं चाहिए कि सर मैं तो नहीं भूलूंगा, बड़ी छोटी बात है, भर दो गारंटी सारे भर दो, ठीक है भैया? समझदार हो तो भर दो, बुद्धि रखते हो क्योंकि सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है भैया? लेकिन गलत भी पक्का ही करोगे, ठीक है? भूलोगे इसे, किसी को पार्शियल फ्रैक्शन तक आता है तो बात करना, हैंड रेज करना जरा, पार्शियल फ्रैक्शन तक की चीजें पता है, बेसिक बेसिक भाई, एनसीईआरटी के हल्के हल्के क्वेश्चन भी आते हो, नहीं तो मैं अभी कोई मूवमेंट और नहीं बता सकता, बस मैं चैलेंज उठा सकता हूं कि आप गलती करोगे भूलोगे, ठीक है? लिखो इसे टाइप एंड ट्रिक्स में, अच्छे से लिखो,
आपको लग रहा है एक एक्सरसाइज हो रही है, पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट बोल देंगे हम, एक्स्ट्रा के भी, बस बाद में एक्स्ट्रा करने रह जाएंगे। ठीक है अभी सुनो ध्यान से। तो ठीक है अभी तो नॉर्मल सा था, ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, बाय सेपरेशन ही डिवाइड हो रहा है, कर लो सर सेपरेट। तो एक्स क्यूब की एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स फाइव एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कट गया और ये फोर बाय एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एक पोर्शन पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वहां मेरी हेल्प कर देना आप, ये टाइप्स एंड ट्रिक्स में लिखना, इसको रिवाइज जरूर करना। एक मिनट, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन वाला फॉर्मुला लग जाएगा, फाइव का फाइव एक्स हो जाएगा, ये फोर बाय एक्स स्क्वायर का कैसे करूं भाई? एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर माइनस टू, सर फोर मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है, बाहर मान लो उसे इंटीग्रेशन से, और वन बाय एक्स स्क्वायर को माइंड में सोचो एक्स की पावर माइनस टू ऊपर जाके, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मुला लग जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस। ठीक है, और कुछ नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, आंसर डिफाइंड है, पॉसिबल है। ठीक है भैया, बस ये वाला, ये अब दो चार बारी करोगे ना, अभी प्रॉब्लम दिखेंगी कहाँ, दो चार बारी करोगे वन बाय एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स क्यूब का, तो एक्स की पावर माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री लिख के कर लिया, फिर गलती होनी शुरू होगी वन बाय एक्स पे, कि वन बाय एक्स का भी वैसे ही कर दिया और बाद में दिखा नीचे जीरो बन के टाइम खराब हो गया। बोलना बच्चे, टिप्स एंड ट्रिक्स समझ नहीं आई मेरे को। हाँ, टाइप्स एंड ट्रिक में मैं कह रहा हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई डिवाइड की टर्म है, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले के पावर, मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के मुकाबले या तो सेम है, या तो देख इतना है सेम है या बड़ी है, तो हर हालत पहले डिवाइड करना है, कुछ और नहीं करना, मतलब इंटीग्रेशन का कोई और ट्रिक आता होगा लग रहा होगा मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले डिवाइड करना है जैसे भी वो डिवाइड हो सकता है, बस इतना बताया आपका, इसके अलावा क्वेश्चन है तो बोलो ना भैया ना। अब थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ ना, ऐसे बात पूरी नहीं आ रही तो लो, अब पार्शल आता नहीं है वो, तो जिस दिन हम पार्शल पे पहुंचे, देखो आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया, अगर इंटीग्रेशन हो चुका हो तो, एनसीईआरटी का टाइप है, सबसे ज्यादा स्कूल टीचर पूछता है, एनसीईआरटी का ही टाइप है, बड़ा टाइप है, अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा लेकिन सुनना, ऐसा कुछ आ गया, वहां एक पूरी ना पूरा मेथड होता है, 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके होते हैं इससे पहले, नीचे मल्टीप्लाई और कोई प्रॉपर्टी लगेगी इसको प्लस में ब्रेक करने की और इंटीग्रेशन हो जाएगा, बच्चा वो प्रॉपर्टी देता है और इंटीग्रेशन हो रहा है, कहीं मना नहीं कर रहा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हो रहा है, आंसर भी एक ठीक ठाक से दिख जाता है, जबकि अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर मल्टीप्लाई करके डिग्री फोर है और नीचे भी डिग्री फोर है, सेम है डिग्री, सेम है टाइप, अलजेब्रा है ये, पहले डिवाइड करना है बाद में इंटीग्रेशन, जस्ट जो ट्रिक सीखी उसी से हो जाएगा, वो सबको आती है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा डिवाइड करना भूल जाएगा, जो भी इसकी ट्रिक है उससे इंटीग्रेट कर देगा, वो एक रटाफिकेशन ट्रिक है, वो मना नहीं करेगी कि इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, आंसर कुछ ना कुछ दिखी जाएगा और पूरा क्वेश्चन गलत, पहले डिवाइड भूलना नहीं है अगर ऊपर नीचे के मुकाबले सेम पावर है या बड़ी पावर है। ठीक है जी, अभी भी कह रहा हूँ भूलोगे आप। नेक्स्ट सर, जैसे जो आपने वाला बताया, जो भी आपने वाला बताया, इसमें तो सर हम मिनिमम वाले से करेंगे ना, जिससे दोनों में x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इससे वो मिनिमम हो जाए, ऐसे करके पर उसमें नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड होगा, वो ऊपर ब्रैकेट खुल जाएंगे, कोई बाय क्वाड्रेटिक नीचे, कोई बाय क्वाड्रेटिक, फिर वो एक से ज्यादा टर्म है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरा प्रॉपर डिवाइड होगा। ओके सर, उसका इतना मत सोचो ना अभी, मतलब कोई भी उस चीज को सोचेगा बोलेगा पता नहीं कैसे होएगा, अभी उसका कोई आइडिया ही नहीं, अभी तो हमें इसका भी आइडिया नहीं है, बस इसके सहारे से हम जितनी बढ़िया बातें सुन सकते हैं सुन लो, वो सब मैच होनी है आगे जाके, अपने आप पूरी होएंगी वो आगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, फाइव का फाइव एक्स, कॉन्स्टेंट को माइंड में सोच लो भैया, एक्स की पावर ऊपर जाके माइनस टू, तो एक्स की पावर माइनस टू एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रहा हूँ, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस प्लस सी, कन्फ्यूजन है तो बोलना, अभी छोटे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला चल रहा है वहां कोई दिक्कत है वो बोल, आगे की ट्रिक समझने की कोशिश कर लो, जब आएंगी तो पूरी होती जाएगी। एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव एक्स, ठीक है जी, माइनस फोर एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, सिंप्लीफाई छोड़ना ऐसे मत छोड़ना, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव पावर नीचे जाके वापस पॉजिटिव हो जाएगी प्लस सी, आंसर दिक्कत है तो बोलना। अगर आपने याद कर रखा है या आप सोच लेते हो, और वो तो हो ही जाएगा अभी धीरे धीरे। किसी का रह गया तो बोल दो बच्चों। Next.
क्लास नहीं छूटनी चाहिए किसी की भी, वो ध्यान दीजिएगा। ट्वेल्थ ट्वेल्थ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, भाई जो मैंने कहा था, जो मैं बता चुका हूँ, आप भूल गए तो पनिशमेंट रहेगी। पनिशमेंट इतनी सी है, सुन लो, काउंट कर लो, बता गए तो चॉकलेट मैं दूंगा जब फिजिकल खुलेगा। जितनी गिनते रहना, अपने अपने अकाउंट में जोड़ते रहना, हमने इतनी बातें बताई है, आसान आसान सी पूछूंगा, अपने अकाउंट में चॉकलेट डालते जाना, नहीं बता पाए तो मेरे अकाउंट में डालते जाना, जब मिलोगे मेरे को दे देना, ठीक है। हल्की सी गेम है, थोड़ा सा एक मजा सा रहेगा कि या तो तुम्हें रहेगा मेरे को इतनी लेनी है भैया से या इतनी देनी है, ठीक है जी। एक बच्चे से खेल लेते हैं, राधिका जल्दी से बताओ पहला स्टेप क्या होगा। बिल्कुल, मैंने चॉकलेट देने वाला काम किया आपको। सब पहले ने वो करेंगे, बता दो वो क्या आपने बोला ना, वो करेंगे तो सीक्रेट। सर इन्हें पहले सेपरेट करेंगे। सेपरेट तो कर दूंगा बच्चे, एक शब्द बोल दो बस, चॉकलेट दे दूंगा मैं आपको। एक शब्द बोल दो ना, अभी तो बोला है मैंने। सेपरेट करके क्या होगा एक्चुअली, जल्दी, सही बोला आपने, घबरा गई, चॉकलेट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, सही शब्द बोलो, बाकी बोल दो, बाकी को मिलेगा कुछ नहीं। पावर्स माइनस डिवाइड होना यार, पावर तो माइनस कोई भी कर देगा, डिवाइड करना है सर, मेन रूल बोलना है ना हमें, ठीक है सेपरेट होके डिवाइड ही होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे को तो मेन रूल ये बोलना है सर, ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, डिवाइड करना है आपको, बस इतना सा सुनना चाह रहा था मैं, ठीक है। और सोचा भी होगा लेकिन बोल नहीं पाई बेचारी, ठीक है। और डिवाइड वो सेपरेशन हो जाएगी नीचे सिंगल टर्म है, और वो डायरेक्ट करना भैया, एक्स की पावर जैसे डिवाइड हो रहे हैं नंबर बेस सेम। चलो राधिका की एक चॉकलेट होगी, गिन लो आप अपने अकाउंट में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पूछ के वापस ले लूंगा आपसे, मैं भी याद रखूंगा इसको, एक देनी नहीं है, नेगेटिव करवाऊंगा मैं आपकी। एक्स की पावर थ्री माइनस हाफ, थ्री माइनस हाफ, अब ऐसे कहां बच्चों तक करोगे, बच्चों की तरह थोड़ी लिखोगे, माइंड में कर लो ना, थ्री माइनस हाफ सीधा एलसीएम लोगे फाइव बाय टू, रफ नोट खोल लेना जिसको दिक्कत हो, थ्री माइनस हाफ एलसीएम ले लो फाइव बाय टू, ठीक है। फिर थ्री नंबर डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस होगी, ठीक है। एक्स की पावर वन माइनस हाफ तो हाफ ही आएगा, फिर प्लस फोर, फोर अपॉन एक्स की पावर हाफ, ऊपर एक्स नहीं है तो ये ऊपर ले जाओ भैया, एक्स की पावर हाफ ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, और देखो अब सब जगह फॉर्मूला एक्स की पावर एन वाले, और कहीं मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ भी जाएगा, कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है। एक्स की पावर एन प्लस वन, फाइव बाय टू प्लस वन सेवन बाय टू, एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा दिया, एलसीएम माइंड में करो। अरे अब इतनी छोटी बात कहाँ लिखूंगा मैं कि एन प्लस वन, भैया इसका एलसीएम तो आप माइंड में कर सकते हो ना, सेवन बाय टू, वही एन प्लस वन नीचे आता है, सेवन बाय टू सात की सात पलट के ऊपर लिख दो। छोटी छोटी बातों के लिए क्वेश्चन होल्ड मत करना कि अगले स्टेप में कर रहे हो। एक्स की पावर एन प्लस वन, प्रैक्टिस बनाओ, कॉपी नहीं करना, प्रैक्टिस बनाओ, एन प्लस वन हाफ प्लस वन थ्री बाय टू, तो नीचे थ्री बाय टू पलट कर ऊपर, प्लस फोर एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन हाफ अपॉन हाफ, हाफ का टू तो पलट कर ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब नीचे कुछ बचा नहीं है, चलो वन लिख देते हैं, प्लस सी, ठीक है। बस सिंप्लीफाई, ये थ्री से थ्री कट गया, बाकी आंसर है आपका, ठीक है। लिख ही देते हैं, टू एक्स की पावर सेवन बाय टू अपॉन सेवन प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाय टू प्लस एट एक्स की पावर हाफ, या रूट भी लिखना चाहो तो प्लस सी, कंफ्यूजन है तो बोलना। जब तक इंटीग्रेशन नहीं करा, इंटीग्रल के साइन रहेंगे, ठीक है। एक बार ही चेक करना भैया, सारे बच्चे चेक करना, जहां तक इंटीग्रल का साइन था आपने इंटीग्रेशन नहीं किया था, चेक करो dx लिखा कि नहीं लिखा। जिसने नहीं लिखा वो एक थप्पड़ लगाना, माइक खोल के आवाज हमारे पास आए, जिसने नहीं लिखा, भूले होंगे कई सारे, सेकेंड एक्सरसाइज बर्बाद हो जाएगी, चैप्टर बर्बाद हो जाएगा, इसके बिना क्वेश्चन होने नहीं है आगे, अभी तो कर लो। बस बच्चों लीव करेंगे, मेरे को नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे और वैसे जूम पे डबल लाइव करनी है, ठीक है जी। कल वाले डे पे नौ से साढ़े नौ 30 मिनट का एक सैंपल पेपर क्लास रहेगा, सैंपल पेपर क्लास रहेगा। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन मैसेज मिलेगा, बीच बीच में आधे घंटे की तो कोशिश रह जाएगी कि वो क्लास कर लूँ मैं, पूरी कर लूँ। जिनका फीस ड्यू है वो अपना फीस सबमिट करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, अगले महीने से किसी हद तक शायद हम रेगुलर होने जा रहे हैं, एक थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है भैया। मतलब अगले महीने से जो आप
आपको मालूम है प्रीवियस ईयर जो आप फीस दे रहे थे वो 1000 रुपीज पर मंथ थी पिछले साल की, ये रिवाइज फीस नहीं है, 11th में दे के आए हो आप। कोरोना टाइम में हमने अभी तक 800 रुपया लिया है, अगले महीने से ये फीस का जो डिस्काउंट 200 रुपये दिया था वो खत्म हो रहा है, सभी को 1000 रुपीज अपना अपना फीस देना है नेक्स्ट मंथ से। तो पेरेंट्स को बता के रखिएगा कि जो डिस्काउंट था हमने बढ़ा ही नहीं है फीस, ना हम इस साल बढ़ाएंगे, वो डिस्काउंट खत्म होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। अब उसमें फिजिकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो भी बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से क्योंकि बाकी सब लोग अब मेरे ख्याल से नॉर्मल इसी थोड़ी थोड़ी आ गई है, तो 200 रुपये का डिस्काउंट खत्म कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए क्लास हुआ।